तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक्स पढ़ ली। ठीक, अब आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको समझने के लिए पहले आपको एक सेटअप में बताता हूं, उस सेटअप से समझेंगे। सेटअप क्या है इसमें कि यहां पर एक ट्यूब है ट्रांसपेरेंट, यहां पर कैथोड है, ये एनोड है, ये देखो सेल लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है और ये सर्किट कंप्लीट। ठीक, अब देखो होगा क्या, लाइट जो है वो कैथोड पर आकर के फॉल हो रही है। लाइट किस पर आकर के फॉल हो रही है? कैथोड पर। अब अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी लाइट की थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, बोलो, एनोड की तरफ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन हमारे एनोड की तरफ जाएंगे। अब ये एनोड की तरफ गए, अगर जाएंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर सर्किट देखो कंप्लीट हो गया तो ये कौन सा करंट कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट का जो नाम होता है ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इस करंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट फ्लो करेगा क्यों? अब देखो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशन आप फॉल कराएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। क्यों भाई? तो इसका मतलब है कि पहला लॉ क्या हो गया, पहला लॉ हो गया कि द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज directly proportional to the intensity of light। समझ रहे? लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल। अच्छा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो करंट भी तो ज्यादा होगा। इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आईपी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इंटेंसिटी है और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा दीजिए, देखिए क्लियर है कि नहीं। तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां से आप चेक कर सकते हैं जितनी ज्यादा लाइट फॉल कराओगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उतना करंट बढ़ जाएगा। क्लियर? दूसरा देखो, अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इसकी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे, एनर्जी बदल जाएगी। क्या है बदल जाएगी बताइए? एनर्जी बदल जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता ऐसे चलता है कि हम एनोड के पोटेंशियल को कम करने लगते हैं। जब हम इसके पोटेंशियल को कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से आने में उनको दिक्कत होती है। तो एक ऐसा पोटेंशियल लेंगे जब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएंगे, या ये बोलो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है कि? तो काइनेटिक एनर्जी का जो पता लगाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते। इसको भी थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं क्या कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर क्या होता है, व्हेन द पोटेंशियल ऑफ
एनोड इज डिक्रीज व्हेन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस एंड एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल ऑफ एनोड इट बिकम्स जीरो. दिस इज कॉल्ड ए स्टॉपिंग पोटेंशियल. दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. इस पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. इस पोटेंशियल पर आकर के क्या होगा, करंट रुक जाता है. इसको कट ऑफ वोल्टेज भी कह सकते हैं, कट ऑफ वोल्टेज भी कह सकते हैं. क्लियर है? इसका मतलब है यहां पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसको क्यूवी नॉट के इक्वल लिख सकते हैं. क्यूवी नॉट, या यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम यहां पर ईवी नॉट लिख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ईवी नॉट. क्लियर? तो अब एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी. और उसका पता कैसे लगेगा, विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा होगा उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. अब देखिए सेकंड लॉ जो है वो क्या होगा, इसमें जो सेकंड लॉ है वो देखो क्या होगा. इसको लिख लिया आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को. अब आइए सेकंड लॉ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी. ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करें. जैसे आप इसको ग्राफ में बनाएं, ये आपने इसको ग्राफ में प्लॉट किया, ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, ये पोटेंशियल ऑफ एनोड है. ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे, यहां से स्टार्टिंग हो रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल और बाद में जाकर के ये करंट कांस्टेंट हो गया. क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट लिया हुआ है. इसको कांस्टेंट लिया हुआ है इंटेंसिटी. अब ये देखो, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ा दिया, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो ये देखो और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगी. देखा ये न्यू वन है, ये न्यू टू है, तो न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन है. समझ ना, जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, बोलो, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल और निगेटिव में चला जाएगा. उतना क्या हो जाएगा, पोटेंशियल और निगेटिव में चला जाएगा. ये क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा या निगेटिव में और वैल्यू बढ़ जाएगा. समझ रहे? तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं करता. तीसरा क्या है, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी. Not on the frequency. इस पर depend करेंगे, बताओ ये depend करेंगे intensity पर, frequency पर depend नहीं करेंगे. Frequency बढ़ाओगे तो क्या होगा, energy बढ़ेगी, number थोड़ा बढ़ जाएगा. जैसे
एक फोटोन आया और एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ। एक फोटोन आया, किससे कोलाइड हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन से। अब धीरे आएगा तब भी एक से कोलाइड करेगा, तेज आएगा तब भी एक से कोलाइड करेगा, मतलब कोलिजन एक से ही होना है। नहीं समझ रहे? कोलिजन एक से ही होगा, दो से नहीं होगा। कोलिजन केवल किससे होगा बताओ? एक से ही होगा। कोलिजन विद ओनली वन, नॉट टू। दो से नहीं होने वाला, केवल एक से होने वाला है। इसका मतलब है नंबर नहीं बदलेगा, केवल क्या बदल जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी। ये यहां पर जब हम लोग इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, ये वोल्टेज, पोटेंशियल ऑफ एनोड है। अब ये देखो ग्राफ ऐसे बनता है। अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो ये आई वन है, ये आई टू है, आई टू ग्रेटर देन आई। ये जो ग्राफ है इसमें देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही कम आई है। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया हुआ है। इसको कांस्टेंट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो ये देख रहे हो ये आई वन है, ये आई टू है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, आई टू आई वन से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है? तो ये जो है क्या है, करंट जो होगा वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा। ग्राफ ध्यान रखना है, ग्राफ किस तरीके से बनेगा, लास्ट में सैचुरेशन करंट तक ग्राफ। एक और लॉ है, और वो लॉ क्या है? वो लॉ ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे, सुनना ध्यान से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं तुरंत, जैसे ही लाइट फॉल होती है, फोटोन फॉल होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन तुरंत इमिट होते हैं। समझ रहे हो ना क्या होता है? The electrons are emitted spontaneously on incidence of photon. फोटोन जब फॉल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन तुरंत होता है, देर नहीं लगता। ये नहीं होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे फिर निकले, नहीं, स्पॉन्टेनियस तुरंत होता है। लाइट आई, फोटोन आए और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेंगे। इससे क्या प्रूफ होता है पता है? इससे ये प्रूफ होता है कि ये पार्टिकल नेचर। क्या प्रूफ होता है? पार्टिकल नेचर। फोटोन आया, कोलिजन हुआ, और जैसे ही कोलिजन हुआ वैसे ही लाइट का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का निकलना और लाइट का फॉल होना, इसमें कोई टाइम का गैप नहीं होता है। देयर इज नो टाइम गैप या टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं होता है। इसको कहा जाता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये लाइट का पार्टिकल नेचर है, ये कंफर्म करता है, दिस कंफर्म्स दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है ये उस पर बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, लाइट आकर के फॉल हुई और तुरंत एमिशन स्टार्ट हो गई। क्लियर है? ये चार लॉज होते हैं, इनको आप अच्छे से समझ। क्या क्या हम लोगों ने लॉज पढ़ लिए? लॉज हम लोगों ने चार पढ़े। पहला लॉ पढ़ा जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के है। दूसरा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो बदलने से
स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, करंट नहीं बदलेगा। और फ्रीक्वेंसी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है, करंट नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी नहीं बदल रहा। इसके बाद इंटेंसिटी बदलेंगे तो करंट बदलेगा और देयर इज नो टाइम। अच्छा, एक बात और, यहां पर हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल जब पढ़ा तो उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, उस पर भी हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो EV नॉट के बराबर है, और ये कितना हो गया देखो, EV नॉट इक्वल टू H न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या निकला, H अपॉन E न्यू माइनस वर्क फंक्शन अपॉन E आएगा कि नहीं, क्यों? तो यहां से ग्राफ क्या बनेगा देखो, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपने क्या बना दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपने फ्रीक्वेंसी बना दिया, और इसको आप पीछे लेके जाओ, क्लियर है? और ये ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस फाइव नॉट अपॉन ई, ये थ्रेशोल्ड है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एच अपॉन ई आ जाएगा। इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो हमारा एच अपॉन ई आ जाएगा, द स्लोप इज एच अपॉन, क्लियर हो रहा है? तो ये यहां पर सिचुएशन, ओके, लॉस खत्म हो गए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिवीजन आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, थैंक यू।